नमस्कार, बिस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ वरुण अवस्थी। तो देखा गया है कि भारतीय जहाँ भी होंगे कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करते रहा करते हैं। और अगर बात व्यापार की हो तो आप खुद जानते हैं कि भारतीय कितना आगे की सोचते हैं और कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। ऐसा ही एक वाक्य है आज हम आपको बताने वाले हैं जो चेन्नई में हुआ है। चेन्नई में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग नहीं सर्व करते, वहाँ पर रोबोट्स लोगों को सर्व करते हैं। चेन्नई के पेरूर में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहां रोबोट न केवल खाना परोसेंगे बल्कि कस्टमर्स से अंग्रेजी और तमिल में ऑर्डर भी लेंगे। यही नहीं, रेस्टोरेंट में रिसेप्शनिस्ट भी रोबोट को ही रखा गया है। इस रेस्टोरेंट में 7 रोबोट की टीम काम कर रही है। ये रोबोट नीले और सफेद रंग के हैं। रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर कैलाश के मुताबिक हर टेबल पर मेन्यू रखा होता है। एक बार कस्टमर जब फूड आइटम सेलेक्ट कर लेता है तो इस ऑर्डर को किचन में भेज दिया जाता है। वहां से रोबोट ऑर्डर कलेक्ट करता है और इन रोबोट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो उसी टेबल पर खाना ले जाते हैं जहां से ऑर्डर आया है। अब आपके दिमाग में कीमत का ख्याल तो आ ही रहा होगा, तो आपको बता दें कि इन रोबोट की कीमत 5 लाख रुपए तक है। ये रोबोट्स कस्टमर्स के लिए ड्रिंक और फूड सर्व करते हैं, पर आप इन रोबोट्स के साथ ऐसे ही काम नहीं कर सकते। इन रोबोट्स को ऑपरेट करने के लिए होटल स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। होटल स्टाफ को भी हमेशा इन रोबोट्स को बनाने वालों के संपर्क में रहना पड़ता है, क्योंकि खाने पीने के साथ रोबोट्स भी इस रेस्टोरेंट का एक बड़ा USP है। मैनेजर कैलाश की माने तो ये रोबोट्स कस्टमर से बातचीत भी कर सकते हैं और टेबल नंबर के बारे में उन्हें गाइड भी कर सकते हैं।